हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 4 देखेंगे। 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, द बॉय सेड टू हिज मदर, प्लीज़ गिव मी सम पेंसिल्स। ठीक है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, अंदर वाला, ये इन्वर्टेड कमर्स के अंदर वाला भाग, ये किस में है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमें पता है सेट टू जो है वो चेंज होता है भाव के हिसाब से। भाव मतलब कैसा सेंटेंस है आगे वाला, रिपोर्टेड स्पीच वाला। तो यहाँ पे हम सेट टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक, तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। अब यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा है ये चेंज होते हैं हमारे टू प्लस वी वन। टू मतलब टू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यहाँ से आगे पूरा चेंज होता है। तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव। टू गिव मीन्स फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा द बॉय है, तो हो जाएगा टू गिव हिम सम पेंसिल्स। ये पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक, सम पेंसिल्स। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है द हर्मिट सेट कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू ऑल गो टू हेल। ठीक है, तुम सब नरक में जाओ। फिर ऐसा है तो द हर्मिट सेट। अब यहाँ पे ये हमारा एक तरह से कह सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे विश कोई की जाती है या प्रे की जाती है, है ना, या फिर कोई अभिशाप दिया जाता है तो कर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे सेट चेंज हो जाएगा कर्स्ट में, है ना, क्योंकि हर्मिट जो है वो एक तरह से कह लो श्राप दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्स्ट, द हर्मिट कर्स्ट, द हर्मिट कर्स्ट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होंगे दैट में, द हर्मिट कर्स्ट दैट। फिर उसके बाद हमें आगे देखना है। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो हम वैसे तो मी मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल कह रहा है, ऑल यानी कि सभी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहे होंगे। अब ज़्यादा लोग रहे होंगे तो हम यहाँ पे वी करेंगे। ठीक, दैट वी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग थे तो अस रहा होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव केस में अस रहा होगा, लेकिन हम उसको चेंज करके यहाँ पे सब्जेक्ट केस में लाएंगे और वी करेंगे। ठीक, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ट दैट वी ऑल, वी ऑल। अब मे का माइट हो जाएगा वी ऑल माइट। ठीक, वी ऑल माइट गो टू हेल। ऐसे करके सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है कि कंबाइन करना है। तो पहला है आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। सिंपल में बनाना है, कह रहा है कि मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिला था, दैट द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब ये है कि कह सकते हो एक तरह से अचानक, है ना, जो प्रत्याशित ना हो, जिसके बारे में सोचा ना गया हो। तो एक्सपेक्ट जो है, एक्सपेक्ट हमारा वर्ब होता है एक्सपेक्ट। ठीक, फिर उसी से बना है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्ट मतलब आशा करना कह सकते हो, है ना। उस जब एक्सपेक्टेड हो जाता है तो वो वर्ब की भी फर्स्ट मतलब थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म ही है, उसी से बना है अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है और क्वालिफाइज किसको कर रहा है, द मीटिंग को। ठीक, चलो अब हम ये कर सकते हैं कि अब इसी अनएक्सपेक्टेड को ही हम एडवर्ब बना लें। ठीक है, क्या बना लें, एडवर्ब। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कहा गया, ये पूरा आगे वाला वही रखते हैं, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। अब एडवर्ब बनेगा तो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली, है ना, अनएक्सपेक्टेडली मैं अपने दोस्त से अचानक ट्रेन में मिला था, ऐसा कुछ हमें सेंटेंस से दिखाना है। अगला सेंटेंस है आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट इज डबल स्टोरीड। ये है कॉम्प्लेक्स। देखो, एक स्टोरी वर्ड होता है STORY, स्टोरी, जिसको हम कहानी कहते हैं। एक होता है STORY, इसका मतलब होता है मंजिल, जिसको कहते हो ना। तो यहाँ पे है आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट इज डबल स्टोरीड। मैं एक खुले घर में रहता हूँ, खुला हवादार, एयरी मतलब यहाँ पे है हवादार कह सकते हो। मैं एक खुले हवादार घर में रहता हूँ, ये
दो मंजिला है, इट इज़ डबल स्टोरीड, ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है। तो कॉम्प्लेक्स में करना है तो हम कर सकते हैं इसको, आई लिव इन ऐसे ही रहेगा, आई लिव इन एन एरी हाउस विच इज डबल स्टोरेड, जो है दो मंजिला है, मैं एक खुले हवादार घर में रहता हूँ जो दो मंजिला है, ऐसा कुछ दिखाना है। ठीक, तो विच लगा के हम आराम से जोड़ सकते हैं। अगला आगे देखते हैं, अगला है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है और रिमूव टू लिखा हुआ है ब्रैकेट में। कह सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो टू एक तरह से कह सकते हो निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव समझ सकते हो, पॉजिटिव सेंस नहीं निगेटिव सेंस देता है ना, वेरी की तरह ही है लेकिन ये इसका निगेटिव मतलब होता है। कह रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही वीक है ना, टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, दवा लेने अस्पताल जाने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही वीक है ना। तो हम इसको सो दैट से कर लेते हैं, सी इज टू की जगह हो जाएगा सो, सी इज सो वीक, यहाँ पे सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ये पूरा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगला है डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, इसको करना है अफर्मेटिव में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम होता है कि आप कोई भी सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, आप उसको जितना भी चाहें बदल सकते हैं, हाँ रूल्स के हिसाब से, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो लिखा है डू नॉट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो। तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो सीधे सीधे ये जैसे कहा गया झूठ मत बोलो, तो इसका एक तरह से कह लो अपोजिट अगर हम कहें कि सच बोलो, तो ये भी बात वही है, झूठ मत बोलो या सच बोलो बात एक ही है। तो हम इसको बना सकते हैं स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। अब अगर यहाँ पे ये टेल अ लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, टेल अ लाई इसका मतलब है डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, अगर टेल अ लाई कर देंगे तो उसका मतलब आने लग जाएगा कि झूठ बोलो, फिर तो अर्थ ही चेंज हो गया ना। तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमने ये कैसे कह सकते हैं, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कोई दो को करना है, करते हैं सारे। अगला है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल का मतलब होता है मवेशी समझते हो, मवेशी जो गाय भैंसे होती है ना, इनको मवेशी बोला जाता है। देखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी जो है वो फील्ड में घास चर रहे हैं। ठीक, तो एक चीज़ ये समझो पहले, कैटल जो वर्ड है CATTLE कैटल, ठीक, ये जो कैटल वर्ड है ये अपने आप में खुद ही प्लूरल है। ठीक, ये एक ऐसा वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल हैं। ठीक है, उसी में ये कैटल भी आता है, कैटल जो है वो दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम कैटल्स अलग से नहीं कर सकते। ठीक, कैटल का मतलब ही होता है ज़्यादा मवेशी, प्लूरल है वो खुद, और बाकी ठीक लिखा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरह से करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, अगला है ईदर ऑफ द रूट्स लीड टू स्टेशन, कह रहा है कि कोई एक सड़क जो है वो स्टेशन तक जाती है, ऐसा कुछ सेंटेंस का मतलब है। अब एक चीज़ देखो, ईदर ऑफ द रूट्स है ना, ऑफ लगा है और यहाँ पे रूट्स की बात हो रही है। ठीक लिखा है ईदर ऑफ या वन ऑफ ऐसा कुछ भी है, उस सबके बाद जो हमारा नाउन है वो प्लूरल आता है। ठीक, तो ये ठीक लिखा है ईदर ऑफ द रूट्स, ठीक लिखा है। अब अगर ये प्लूरल आता है ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है उसे हम सिंगुलर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होती है। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीड्स, यहाँ पे लीड्स करेंगे तब जाके सही हो जाएगा। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन, कोई एक सड़क स्टेशन को जाती है, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में लीड्स हो जाएगा। अगला है शरद इज़ इन्फीरियर दैन राहुल,
शरद इज़ इन्फीरियर देन राहुल। अब यहाँ पे आपको पता है इन्फीरियर मतलब होता है जैसे कह सकते हो कि कमतर, कम योग्य। तो शरद जो है वो राहुल से कम योग्य है, योग्यता में पीछे है। तो इन्फीरियर के साथ आपको पता होना चाहिए कि देन नहीं टू का यूज़ होता है ना, पता होगा शायद सब लोगों को। इन्फीरियर के साथ टू का यूज़ होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, है ना, प्रायर, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसके साथ हम टू यूज़ करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, कह रहे कि मैंने जो है तुम्हारा लेटर कल प्राप्त किया था, है ना। तो देख लेते हैं इसको, इसमें लिखा है आई हैव रिसीव्ड, अगर हैव प्लस वी थ्री है, हैज़ हैव प्लस वी थ्री है, तो वो हमारा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब येस्टरडे की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम जो है अभी अभी पूरा हुआ है ना, प्रेजेंट में ही वो कंप्लीट हुआ है, तो येस्टरडे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो नहीं सकता, ठीक। उस हिसाब से येस्टरडे गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर येस्टरडे गलत कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये वर्ब चेंज करेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा और सही हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला था, ऐसा कुछ हमें दिखाना है। जैसे एक तरह से ये भी सेंटेंस सही हो सकता है, अगर अकेला ये हो आई रिसीव्ड योर लेटर, बस इतना ही हो, येस्टरडे ना हो तो सही हो सकता है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, ठीक। येस्टरडे अगर ना हो तो हम हैव लगा के सही कर सकते हैं, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिल चुका है, हमें ऐसा दिखाना है, प्रेजेंट में ही मिला है ना, कि जब येस्टरडे है तो पास्ट की बात हो रही है, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आवी की बात समझ। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इडियम फ्रेज करना है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है विदाउट राइम और रीज़न, ठीक है। विदाउट राइम और रीज़न, इसका मतलब होता है बिना तार्किक व्याख्या या कारण के, ठीक, बिना तार्किक व्याख्या या कारण के। इसे सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे सेंटेंस बना है सडनली, सडनली, सडनली विदाउट, विदाउट राइम और रीज़न, है ना, सडनली विदाउट राइम और रीज़न ही चेंज्ड द प्लान, ठीक, ही चेंज्ड द प्लान, यानी कि बिना किसी, कह सकते हो तार्किक व्याख्या, या फिर कह लो बिना किसी कारण के उसने प्लान चेंज कर दिया था, ऐसा कुछ हमें दिखाना है, ठीक। अगला है टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है पुरानी जो शत्रुता है हमारी उसको भुला देना, है ना, पुरानी शत्रुता को, पुरानी शत्रुता भुला देना, ठीक। देखो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी लिखें या ना लिखें, लेकिन सेंटेंस ज़रूर आपको लिखना होगा, ठीक है, समझ आ रही बात। चलो अगले फिर इसे सेंटेंस बना लेते हैं। एक सेंटेंस बनाए, इट इज, इट इज, इट इज गुड, इट इज गुड टू बरी द हैचेट, इट इज गुड टू बरी द हैचेट फॉर अस, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा गया कि ये हमारे लिए, मतलब पुरानी शत्रुता भुला देना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कर लेंगे। अगला है टू पॉकेट एंड इंसल्ट, टू पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहन कर लेना, है ना, अपमान, अपमान सहन कर लेना, ठीक, अपमान सहन कर लेना। इससे सेंटेंस बना लेते हैं, द ओल्ड वोमैन, द ओल्ड वोमैन, द ओल्ड वोमैन ऑफन, द ओल्ड वुमेन ऑफन पॉकेट, पॉकेट हर इंसल्ट, जो मतलब बूढ़ी महिला है वो प्रायः अपमान सहन कर लेती है, ऐसा कुछ हमें सेंटेंस से दिखाना है। अगला है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, कह लो कुछ भी हैपन होना, घटित होना, ठीक। इसे सेंटेंस बना लेते हैं, द न्यू मिनिस्टर, द न्यू मिनिस्टर
द न्यू मिनिस्टर ब्रिंग का ब्रॉट अगर कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है हमें, ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस, मेनी चेंजेस इन द स्टेट। मान लो कोई नए मिनिस्टर हैं, नए नए इलेक्ट हुए हैं किसी भी स्टेट में, तो हमने सेंटेंस बनाया द न्यू मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द स्टेट। जो नए मिनिस्टर हैं वो स्टेट में बहुत सारे नए चेंजेस, उन्होंने बहुत सारे नए चेंजेस किए हैं, है ना। लास्ट है हमारा सेट असाइड का मतलब होता है स्वीकार करना, कह सकते हो। सेट असाइड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक, स्वीकार करना, ठीक। इसे सेंटेंस बना लेते हैं, आप यहाँ देख लो नीचे, है ना, लिखा है सी सेट असाइड ऑल माई पर्सनल फीलिंग्स, है ना। कहने का मतलब उसने हमारी सारी पर्सनल फीलिंग्स को स्वीकार कर लिया है, ऐसा कुछ हमें सेंटेंस से दिखाना है। अगला है एंटोनिम लिखने हैं, पहला वर्ड है एक्सपेडाइट मतलब होता है जल्दी करना, है ना, कोई भी काम जल्दी करना, ठीक, जल्दी करना। हमें एंटोनिम लिखना है, एंटोनिम कर सकते हैं जैसे देर करना, डिले कर सकते हैं ना, डिले, या फिर लेट कर सकते हैं इसी को, है ना, लेट। उसी तरह जैसे इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक कह सकते हो। तो एंटोनिम लिखना है तो अपोजिट लिखना है, लिख सकते हैं फाइनल, है ना, फाइनल आखिरी, या फिर लास्ट भी कर सकते हैं, है ना। अगला है प्लेंटी होता है कह सकते हो प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़, है ना। तो एंटोनिम लिखना है यानी कि अपोजिट लिखना है, तो अपोजिट हो जाएगा इनसफिशियंसी, है ना, इनसफिशियंसी मतलब जो सफिशियंट ना हो, सफिशियंसी होता है उसी से बना है इनसफिशियंसी, ठीक। अगला है एसेंट मतलब होता है कह सकते हो चढ़ाव, है ना, या फिर उभार कह सकते हो। तो सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम लिख सकते हैं जैसे राइस कर सकते हैं, राइस, ये भी उतार या कलो निकलना वाले सेंस में यूज़ होता है। अपग्रेड कर सकते हैं, है ना, अपग्रेड, इसका भी यही मतलब होता है। अगला है डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, क्या होता है, अपमानजनक, है ना, अपमानजनक। तो इसका सिनोनिम लिखना है तो लिख सकते हैं जैसे इंसल्टिंग हो जाएगा, है ना, ह्यूमिलिएटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग ये भी यही हो जाएगा। अगला प्रोफिशिएंट मतलब होता है कह सकते हो कुशल, मतलब किसी भी काम में जो फास्ट हो, कुशल हो, है ना। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, स्किलफुल यूज़ कर सकते हैं, है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं एक्सपर्ट और स्किलफुल यहाँ दोबारा देख लो, स्किलफुल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमें वन वर्ड लिखने हैं इन वर्ड्स के। तो पहला है इनकैपेबल ऑफ बींग डिफीटेड मतलब जिस कह सकते हो एक तरह से जो हारने में असमर्थ हो, है ना, हारने में असमर्थ मतलब विजेता टाइप का कह सकते हो, है ना। तो इसके लिए वर्ड होता है इनविंसिबल, है ना, क्या होता है, इनविंसिबल, ठीक है, सही जाएगा। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स किताबों की जो लिस्ट है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है कैटलॉग,
CATA कैटा LOGUE है ना, कैटलॉग। ठीक, ये वस्तुओं की भी सूची को कह सकते हैं, लेकिन बुक्स की सूची है तो उसके लिए भी कैटलॉग यूज़ करते हैं। अगला है विच कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके, है ना। उसके लिए एक ऐसे वर्ड होता है एक्सेसिबल, मतलब एक्सेसिबल जहाँ पहुँचा जा सके कह सकते हो, तो जहाँ ना पहुँचा जा सके उसके लिए हम करेंगे इन एक्सेसिबल। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें दो वर्ड हैं जैसे दिखते हैं या कह लो बोलने में लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो पहला डिसेंट, दूसरा डिसेंट। ठीक, तो पहला जो ये डिसेंट है, ये एसेंट जो यहाँ पे हमने वर्ड देखा था ये वाला, इसका एक तरह से कह लो एंटोनिम है ना। तो डिसेंट जैसे उसका मतलब था उतार, मतलब वो चढ़ाव या फिर कह लो उभार, है ना। इसका मतलब होता है उतार या पतन, है ना, उतार पतन, है ना। या फिर इसी का मतलब एक और होता है वंश या परंपरा, है ना, वंश या परंपरा। ठीक, तो इसके लिए सेंटेंस बना लेते हैं। इसे यहाँ पे कहा गया वी आर द पीपल ऑफ ईस्ट इंडियन डिसेंट, है ना। अब आप उतार से भी देखो, कई सारे मतलब होते हैं। अगर आप कोई भी मतलब लिख दोगे तो उससे सेंटेंस सही हो जाएगा ना। किसी भी मतलब से रिलेट करके आप सेंटेंस लिख दोगे तो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, अब आप अगर इसको यहाँ पे तो डिसेंट का मतलब वंश या परंपरा वाला है, अगर आप इसको उतार या पतन से बनाना चाहते हैं तो वो भी सही होगा, है ना। अगला है डिसेंट, इसका मतलब होता है असहमत होना, है ना, असहमत। राइटिंग थोड़ा ख़राब है ना, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। असहमत होना, ठीक। तो जैसे कहा गया सी इज डिसेंट फ्रॉम हर फ्रेंड्स, है ना, वो अपने दोस्तों से असहमत है। मान लो किसी भी टॉपिक की बात हो रही हो जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स से असहमत है, तो हमने इस तरह से सेंटेंस बना लिया। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, इस वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं। आगे की बातें हम अगले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।